तो देखिए दोस्तों, फाइनली बहुत सारी बर्ड्स के एग्स हैच हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है? तो दोस्तों चलिए चलते हैं और हमारे बजीज पर की मटकियाँ चेक करते हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ कि ऊपर में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, मैंने अभी देखा हूँ। चलते और देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने प्याज ले लिए है और चलते हैं हमारे चूज़ों को देने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत देर से हमने कुछ खाने के लिए नहीं दिया था, तो ये अंदर डाल देते हैं। बड़े मज़े से खाते हैं दोस्तों हमारे जो मुर्गियों के बच्चे हैं। तो पहले ऊपर से डाल देते हैं इसे, बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं और चेक करते हैं कौन कौन सी मटकी में कितने कितने बच्चे अभी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाली मटकी में आ गए। तो देखिए दोस्तों, उस दिन हमने देखा नहीं था, लेकिन अभी देखो दिख ही रहे होंगे आपको। चार बच्चे दोस्तों, दो बड़े हैं और दो थोड़े छोटे, एक थोड़ा और ज़्यादा छोटा है। और देखिए दोस्तों, उस दिन फीमेल ने पूरा ढका हुआ था, इस वजह से हमें बच्चे दिखे नहीं। आज दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए फीडिंग कराएंगी फीमेल अपने बच्चों को। काफ़ी बड़े हो गए हैं दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों से चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रेगुलरली हम चेक करेंगे और रेगुलरली हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और नीचे वाली मटकियों में भी चेक कर लेंगे अभी। इसमें तो दोस्तों चार बच्चे हैं और एक से दो एग्स भी रखे हुए हैं। अभी नीचे वाली मटकी में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हाल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को उस दिन ही हमने चेक किए थे, दो बच्चे थे और अभी भी दो बच्चे हैं। इनकी माँ कहीं गई हुई है फीडिंग करने और चार एग्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बाहर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आपको पौधे दिखाने के लिए यहाँ लाए हुए हैं हमारे जो घर के सामने। यहाँ पर अलग अलग किस्म के हमने पौधे लगाए हुए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। यहाँ दोस्तों पुदीना भी इस बार थोड़ा सा भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम पुदीना लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रेगुलरली हमारे बर्ड्स को लगता है इस वजह से। तो अंदर चलते हैं दोस्तों और हमारे बर्ड्स को थोड़ा सा आराम करने देते हैं। ये था आज का ब्लॉग।